गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग। तो बज रहे हैं दोपहर के, सुबह 9:10 बजे सोई हूँ। ले जी, इनका तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो हो रहा है। हम अभी थोड़ा फ्रेश होंगे। ले जी, अभी घर में चल रही है सेटिंग सामान की। असल में आज घर पे है दावत, पाकिस्तान से आए हैं गेस्ट। तो तकरीबन अभी जो है घर पे आज हमने करनी है दावत, कोई 10-15 लोग हो जाएंगे ना हम जी। हाँ, तो अभी सेटिंग कर रहे हैं सीटिंग की। भाई यहाँ पे ऐसे ही होता है, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। ये मेरा फेवरेट वाला सोफ़ा है, ये मेरे रात की क्रेविंग्स पूरी करने के लिए जो है ना छोटी सी जगह है। इसमें हम फ्राइड चीज़ें बना लेते हैं। इसमें पानी गर्म कर लिया, पानी गर्म से याद आया मैंने पानी नहीं पिया। लें जी, मीठा जो है वो तैयार हो चुका है, अभी इसको संभालना है। बाकी जो है ना खाना वाना वो भी बन रहा है, वो भी ये रसमलाई जो है बनाई है, ये बस थोड़ी सी बनाई है खुद ही खाने के लिए। मेहमानों को ना बता देना उन्होंने रसमलाई भी खाई है। अच्छा, ये वाली मैं अभी पहले डाल रही थी खोलते हुए। ओ, कीमा बन रहा है। कीमा मुझे तो बहुत पसंद है। कीमा सबको पसंद होता है, छोटे बड़े जो मटन नहीं खाते। हाँ, जो नहीं खाते ना मटन, कुछ भी बीफ भी, वो कीमा खा लेते हैं मोस्टली। अभी बाकी आपको बताएंगे क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा। आप लोग बस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। हाँ, क्या अच्छा वह कर ले जी। अभी चावलों के लिए जो है ना ये सामान तैयार होने लगा है, पेस्ट बनाने के हम खुद इसमें कर रहे हैं। कोई मशवरा नहीं दे के जी, ग्राइंडर यूज कर लो, चॉपर यूज कर लो, ग्राइंडर में पेस्ट नहीं बनता। हाँ जी, ले जी, ये अभी चिकन को मसाला लग रहा है। और मजे की बात कि ये चिकन पुलाव बनना है, यानी कि ये एक नई तरह का चिकन पुलाव बनने वाला है। पहले भी एक दिन ट्राई किया था, आज जो वो मेहमानों के लिए बनेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। ये अभी चिकन तैयार हो रहा है, चिकन जो है नहीं सॉरी मटन है ये, उन्होंने सोटियाँ पै जानियाँ अभी, ठीक है। और जी प्याज कट रहे हैं ये पुलाव के लिए। और जी मटन में अभी एडिशन हो रहा है ये एक नए स्टेप का। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ, भाई ने बोला कुछ चीज़ें लानी है। और जी अपनी हिफाजती पेटी सब लोग बांध लीजिए, अभी हम लोग जा रहे हैं। और मैंने रेडियो पे गाना लगा लिया साथ में, अभी हम जा रहे हैं, हम तब तक वेट कर लेंगे। अभी हम लोग आए हैं खुबर शुमालिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जो मैं कराची पैलेस आई थी वो भी यहीं पे है। यहाँ से वो उधर से वो हम वहाँ पे आगे जाएंगे ना। टमाटरों के छिलके यानी के कपड़े उतार के ये भी मसाला बन रहा है, जो भी बन रहा है ये वो बन रहा है। ये भी भाभी क्या हो रहा है, ये पुलाव का मसाला रेडी हो रहा है ना। टमाटरों के कपड़े उतार के रख रही है क्योंकि मुंह में आते हैं सब बातें करते हैं। सही है, तो अब वो इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। और जी ये बहुत लाइटली खाते हैं ऐड करके, ये बहुत जो है ना एक अलग किस्म का पुलाव बनने वाला है। रेसिपी चाहिए तो उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। पतीले का साइज बहुत बड़ा, चम्मच नहीं मारेगा। कोई बात नहीं, बस हवा निकल गई। और जी ये स्वीट डिश हम रख रहे हैं फ्रिज में ठंडी होने को। ले जी चावल इसमें डाल दिए हैं, और इसमें भी ये भी हमने ऐड किया है टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए। बिल्कुल बहुत प्यारे चावल देखिए, अभी दिखने में ही लग रहे हैं, और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। और जी अभी जो है वो दम लगने लगा है, और दम में हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके बहुत फायदे हैं। ओके, इसलिए अब हम ये स्पाइसी करेंगे। बड़े चाहे ना चाहे, बच्चे तो मजे डाल दें। मेहमान हमारे पास जो है ना वो पहुंचने वाले ही है,
और उन्होंने सोचा कि आराम सुकून से जाएंगे, जितनी लेट जाएं उतना ज़्यादा खाएं। मे भी ये ऐसे ही सोचा जाता है ना ज़्यादातर। बस पानी थोड़ा ड्राई हो गया, डाला ना थोड़ा सा भी ऐड कर लें पानी। नहीं तो थोड़ा खुश्क होने दे। अच्छा खुश को, अच्छा देखते देखते देखो चावल दिखने लग गए हैं। अच्छा अभी कीमा हमारा रेडी हो रहा है और इसका जी दम लगने लगा है। खाएंगे नहीं खाएंगे? और इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा बटर डाल रहे हैं। बटर ऐड हो रहा है चावलों पे। आँच को ऑन कर देते हैं, फ्लेम स्लो कर देते हैं। 1, 2, 3। टाइम जो है वो रात के भी 7:45 हो गए, 8 बजने में 15 मिनट है। और देखिए ले जी ये भी दम का जो है ना पहाड़ तैयार हो चुका है, और भी इसकी स्टीम बाहर निकल रही है। फिर भी स्टीम बाहर निकल रही है। और मैं ये इसको कट करके ऐसे गोल गोल प्यारे प्यारे रिंग निकाल कर देने हैं। और जी अभी जो है वो हम सर्व करेंगे जूस। मेहमान हमारे आ गए हैं और खाना भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अभी जो है ना जूस डालते रहे, मुझे भाभी ने बताया कि मेहमान केक भी लेकर आए हैं। ये अभी ना बहुत टीले में पड़ा हुआ है, मैं वो दिखा नहीं सकती, लेकिन जब खाएंगे तब दिखा दूंगी आपको। ये मैं अपने उस बैग में निकाल लूं जरा सा। ओके okay. अभी ये चावलों का दम उतर गया है और अभी भाभी इनको हिलाएंगी, वो जो यू 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 मिक्स करते हैं। ये देखें जी आज मैंने ईस्टर्न कपड़े पहन लिए हैं। चले वो कपड़ा पकड़ लेना। ये अच्छी बात कही है, ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। तो हाई डिलीशियस यम्मी। चलो मैं कह रहा कुछ रह गया, कुछ रह गया, जर्दा कलर डाला ही नहीं। ओह माय गॉड, हालांकि मैं खुद सबसे पहले कहती हूँ रंग जरूर डालना पुलाव में, रंग जरूर डालना पुलाव में। और जी कीमे के लिए ये एग बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और अभी हम इसको जब सर्व करना स्टार्ट करेंगे। और जी अभी बन रहे हैं शामी कबाब और सालन को फाइनल टच। ये हम तंदूर वाले को दे रहे हैं जी, वो मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके, मैं कह रही थी फाइनल टच हो रहा है। और बाजी जो है वो किचन में साथ ही आ गई है, वो मजीद मेहमान रही रही। और जी कीमे की सजावट भी हो रही है और कबाब भी बन गए हैं ऑलमोस्ट। और मतलब बदलो साइड बदलो, जल जाएंगे। अच्छा सर्विंग शुरू हो गई तो ना वीडियो जो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मुश्किल दरपेश आ रही है। ये भी जो है वो मटन जो है वो सर्व होने लगा है। भाभी ये अंडे किस पे डालने थे? डाली अच्छा। ओ जी मैं ये अभी सर्व करने के लिए लेकर जा। अच्छा जो हट जो हट जो हट जो चल 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 चल। एक हफ्ते की अलालत के बाद शामिल भी सर्विंग कर रहा है। स्पीड चाहिए ना, स्पीड चाहिए। क्या शेफ आए हुए हैं जी यहाँ पे आज। और अम्मी जान डाल रही हैं पुलाव। यहाँ देख पुलाव का देख है। हाँ जी पुलाव की देख दम लग गया। क्या मैंने सुहाने ख्वाब सजाए, ऐसे रिकॉर्ड करूंगी, ऐसे सर्व करूंगी, ऐसे लगाएंगे, वो बस ना वो ऐसा सीन बन नहीं सका। तो अच्छा जी अभी हम भाभी ओ इधर ले गए थे। और जी खाना खाने के बाद अचानक प्लान बन गया हम लोगों का, हमारा नहीं बाजी लोगों का। और हम लोग अभी जा रहे हैं 5 रुपये वाली दुकान पे, आपको आज मैं विजिट करवाऊंगी 5 रुपये वाली दुकान का भी। स्पीडो स्पीड जा रहे हैं। और जी इसको कहते हैं 5 रियाल, वैसे 5 रियाल ही है नहीं है, 5 रियाल 75 हलाला
जितने की यहाँ पे हर शहर है, ठीक है। अभी अंदर जाएंगे, आज मैं इस पर कंप्लीट व्लॉग नहीं बनाऊंगी, किस दिन स्पेशल इधर आएंगे और आपको इसका विजिट करवाएंगे।